बरसात में मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे को पंडोह के पास 9 मील स्थान पर बहाल रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बारिश के कारण 9 मील पर मिट्टी काफ़ी लूज हो चुकी है और मिट्टी लगातार सड़क पर आ रही है। विपरीत परिस्थितियों में दिन रात कार्य करके कोशिश की जा रही है कि NH खुला रहे। इसी जगह पिछली बरसात में एक JCB ऑपरेटर कार्य करते हुए दुर्घटना का शिकार हो गया था। क्या कहना है DC मंडी अपूर्व देवगन का, सुने विस्तार से। अगर हम NH की बात करें तो हमें खासा चैलेंज 9 मील पे आ रहा है। 9 मील पे इन बरसातों में खासकर बहुत लूज हो गया है स्ट्रेटा, जो हमने रिमूव भी बारिशों से पहले भी पानी डाल के और अन्य मशीनरी के माध्यम से रिमूव करने की कोशिश की थी, परंतु और वहाँ पे लूज स्ट्रेटा नीचे आ रहा है, जिसके कारण कंटिन्यूस वहाँ पे मशीनरी डिप्लॉयड है, आपने देखा भी होगा, और दिन हो या रात खोलने का कार्य चलता रहता है। ऑफकोर्स ये उस पर निर्भर करता है कि मौसम कितना साफ है, बारिश तो नहीं पड़ रही, क्योंकि पिछले साल भी आपको जैसे याद है इसी स्ट्रेच पे एक JCB ऑपरेटर ने अपनी जान भी गंवाई थी। तो हमें एक सावधानी से कार्य करना होता है कि जब मौसम ठीक हो, बारिश ना आ रही हो, तभी हम ये रोड ओपनिंग का 9 मील वाला क्लियरेंस का काम कर सकते हैं। हम अभी वन वे 9 मील पे खुला हुआ है, वहाँ पे पंडोह डैम के ऊपर कैंची मोड़ से ऊपर जो चार एक फोर लेन NH यहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे एक साइड वैली साइड पे जो डंगा है वो टिल्ट हो गया है कल रात की बारिश से, और वहाँ पे अभी साइट इंजीनियर NHAI के और ST मंडी वहाँ पे मौजूद है, वही सिचुएशन का एक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या करने की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म में तो वो डंगा फिर से लगेगा, जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है सारा, परंतु अभी टू जो वहाँ पे स्लिप्स हुए पड़े अन्य उसके आसपास, उसको NHAI हटा रहा है ताकि जो 2 लेन है वो स्मूथली वहाँ से चल सके। तो अभी इन द नियर फ्यूचर तो जब तक मौसम ऐसा है तो वो 2 लेन का ही उपयोग करना है, करके ही स्मूथ ट्रैफिक चलेगा, और आगे जाके उसको NHAI उस पर कार्य कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि कैसे उसको सुचारू कर दिया। वहीं बारिश से जिला में 71 सड़कें बंद हुई थी, जिनमें से 38 सड़कों को सोमवार 3 बजे तक खोल दिया गया है। मंडी जिला में बरसात से अब तक 160 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। देखिए, अगर हम पिछले 48 घंटों की बात करें, खासकर आपको पता ऑरेंज अलर्ट भी था, और जिले के विभिन्न स्थानों में बारिश कल रात भी हुई है, परसों रात भी हुई है, पिछली 3 रातों से बारिश हो रही है, दिन के समय भी हो रही है। जैसे हमने शनिवार को देखा था, दिन के समय भी बहुत भारी बारिश विभिन्न इलाकों में हो रही थी। अगर हम कुल बात करें तो कुल नुकसान जो अभी तक ज़िले में हुआ है, चाहे ये लोगों का अपना निजी नुकसान है, चाहे विभिन्न विभागों का नुकसान है, लगभग 160 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें से अगर हम 11 तारीख अकेले की बात करें तो इसमें 3,91,00,000 के लगभग अनुमान लगाया है, जो नुकसान विभिन्न विभागों का, चाहे रस्तों का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, ये हुआ है। हम डेली 3 टाइम पे सभी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, सड़कें, पानी और बिजली, उनका 3 समय जायजा करते हैं, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्कीम्स के द्वारा भी की जाती है विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ। और इसमें अगर हम कल रात तक की बात करें तो 25 PWD की सड़कें बंद थी, और कल सुबह भी लगभग 95 सड़कें बंद थी जो उन्होंने सारा दिन खोली हैं, परंतु आज फिर सुबह लगभग 70 के करीब सड़कें उनकी बंद थी। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।